हेलो दोस्तों, मैं हूँ हाशिम रजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साथ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास है यामा फाइजर दोस्तों, और इसमें दिक्कत है, गाड़ी में करंट का प्रॉब्लम हो गया है और इसका 12 वोल्ट भी गायब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाबी को हम इस तरह ऑन करेंगे दोस्तों, और ये मीटर में कुछ किसी तरह का शो नहीं कर रहा है और इसका करेंट में भी इशू है। तो आप इस तरफ आइए, बताते हैं आप। क्या भी ऑन है दोस्तों, और यहाँ हम पलक खोलेंगे और आपको करंट चेक करा दें। तो इस तरह से हम पलक को खोल लेंगे आराम के साथ, और पलक को खोलने के बाद दोस्तों आपको हम चेक कराएंगे करंट। करंट हमारा दे रहा है नहीं दे रहा है दोस्तों। पलक खोल लेते हैं और टेप को भी निकालते हैं दोस्तों, और करंट चेक करके बताते हैं। तो इस तरह से हम करंट को चेक करेंगे। आप देख पा रहे होंगे करंट इसमें नहीं दे रहा है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे करंट का कोई ये नहीं है। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम कहाँ है और आपको बताते हैं। इसमें चाबी ऑन करने के बाद 12 वोल्ट भी सप्लाई नहीं हो रहा है दोस्तों, और करंट में भी इशू है। तो दोस्तों इसका CDI RR इनपुट कुछ भी हम चेक नहीं करेंगे दोस्तों, डायरेक्टली इसका हम चेक करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने सीट को ओपन करेंगे, आप देख पा रहे होंगे, और स्क्रू ड्राइवर के मदद से ये पैनल को हमने खोलेंगे दोस्तों। ये दो स्क्रू है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। इसको बाहर लेते हैं आगे का। तो दोस्तों ये पैनल खोलने के लिए दो स्क्रू रहता है, एक यहाँ है एक इधर है। ये दोनों स्क्रू ऐसा रिमूव करना है, और दो ही स्क्रू पर टाइट रहता है। इस तरह से हम निकालेंगे पैनल को, खींचेंगे इस तरह से और ऊपर के ओर लेंगे दोस्तों। ये नीचे लॉक रहता है। तो दोस्तों आपने देख लिया, इसमें 12 वोल्ट भी पावर सप्लाई नहीं हो रहा है दोस्तों, और प्लस करंट का भी इशू है। करंट भी चेक करा के आपको दिखा चुके हैं मैं, करंट भी नहीं दे रहा है दोस्तों। तो इसमें दिक्कत क्या है आपको बताते हैं। करंट भी चेक कर दिया गया, और वायर दोस्तों एक किसी मैकेनिक ने इसको पूरा चेकआउट किया है, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं मिला। पूरा वायरिंग वो चेकआउट किया हैंडल के पास, और पूरा CDI, और ये अपना ये रिले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये सेल्फ वाला रिले है दोस्तों। जो हम क्लच दबाते हैं तो रिले काम करता है और हमारा गाड़ी स्टार्ट होता है। तो दोस्तों उसको भी नया चेंज कर दिया गया है, पर इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो इसका मेन जो काम है दोस्तों हम वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ सब चेक कर दिया गया है, स्विच उच का वायर जो सब कुछ किया गया है। तो दोस्तों हमने खोला, यहाँ देख पा रहे हूँ, और इसका फ्यूज भी हमने चेक कर चुका है। इसका फ्यूज भी हमने चेक कर चुका है दोस्तों, ये फ्यूज प्रॉपर तरह से सही है। तो दोस्तों इसको हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ से है, दिक्कत दोस्तों मेरा कहाँ से है, वो चेक करने के लिए हमको क्लियर होने के लिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसमें हम 12 वोल्ट पावर में सप्लाई इसको दिए हैं दोस्तों। आप प्रॉपर तरह से यहाँ देख पा रहे होंगे, ये प्लस को ओवर में टाइट किया हूँ दोस्तों। और इसको किस तरह से हम चेक करेंगे कि हमारा रिले ख़राब है या और किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, तो इसका हम RR इनपुट CDI कुछ भी चेक नहीं करेंगे दोस्तों, डायरेक्टली हम आपको बताते हैं। आप बने रहिए वीडियो। तो ये देख पा रहे होंगे 12 वोल्ट हमने कनेक्ट किया है। तो दोस्तों उसको जो है इस वायर में हम लगाएंगे, ये रेड वाला वायर दिख पा रहा होगा आप यहाँ पर, ये रेड वाला वायर है दोस्तों, इसमें हम कनेक्ट करेंगे इसको किस तरह से, तो आपको दिखाते हैं दोस्तों। इस तरह से इसको हम ये रेड वाला में अटैच करेंगे, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से दोस्तों, इस तरह से हमने अटैच किया है इसको, देख पा रहे होंगे। तो इस तरह अटैच करके दोस्तों इसको हमने लगा दिया है। ये रेड वाला वायर है जो देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये रेड वाला वायर में हम अटैच किए हैं इसको। और दोस्तों अब हम स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरह से, तो हमारा सब काम कर रहा है प्रॉपर तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों हमारा सब सही काम कर रहा है। चाबी को हम ऑफ करेंगे और वापस को ऑन करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरह से मेरा मीटर शो कर रहा है, और ये और तो हमारा पूरा गाड़ी ऑन हो चुका है दोस्तों, किसी तरह का इसमें दिक्कत नहीं रहा। तो इसमें दिक्कत क्या है,
तो आपको वापस बता देते दोस्तों। यहाँ पर देखिए चाबी को ऑन किए और ये हमारा प्रॉपर तरह से मीटर शो कर रहा है, आप देख पा रहे हो। और उसके बाद ये स्विच है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा प्रॉपर तरह से काम कर रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैकेनिक इसमें परेशान हो चुका है और माइनर बीमारी है दोस्तों छोटा सा। दिक्कत क्या है आपको बता देते हैं, दिक्कत इसका रिले में है दोस्तों, ये रिले 100% ख़राब है, इसकी वजह से दिक्कत आ रहा है। तो आपको बताते हैं, तो दोस्तों इसका 100% रिले ख़राब है, ये तो आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों इसमें मैकेनिक पूरा तरह से परेशान हो चुका था, सब कुछ बदल दिया है, रिले बदल दिया है, पूरा चेकआउट किया है, वायर पूरा चेक किया है, पर उसको प्रॉब्लम नहीं मिला दोस्तों। और यहाँ देख पा रहे होंगे वो वायर कनेक्ट करने के बाद, यहाँ पर देख पा रहे होंगे मीटर हमारा प्रॉपर शो कर रहा है, प्रॉपर तरह से काम कर रहा है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं स्विच है, और यहाँ रेड वाला लाइट आप देखेंगे, ये ऑन की ऑफ किए दोस्तों, ये ऑन किए, आप देख पा रहे होंगे, वापस करके बताते हैं ऑफ किए या ऑन किए, तो हमारा सब फंक्शन काम कर रहा है दोस्तों। तो दिक्कत इसका 100% रिले से है। तो दोस्तों मैकेनिक परेशान हो चुका था और उसको समझ में नहीं आया कि रिले का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हम 100% इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम बहुत सॉल्व कर चुके हैं, और ये गाड़ी में नहीं, बहुत सारा गाड़ी में आता है दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले हम एक वीडियो अपलोड किए थे पैशन प्रो का, करंट का प्रॉब्लम था, उसका रिले में फॉल्ट था। तो दोस्तों रिले को हम चेंज करते हैं, नया लगाते हैं और आगे का आपको बता दें। रिले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, रिले को मैंने लाया है दोस्तों, और इसको चेक करेंगे यहाँ पर, इस तरह से चेक करेंगे इसको इस तरह से। तो दोस्तों अभी हम स्विच को ऑफ कर दिए हैं, और ये हम वायर जो कनेक्ट किए हैं दोस्तों, इसको हटा देंगे। तो इसलिए हम किए थे दोस्तों कि इससे हमारा कंफर्म हो गया है कि हमारा रिले डैमेज है, पूरा तरह से ख़राब हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से हटा देंगे दोस्तों, खोल के इसको इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों इसको खोल के यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि सिर्फ चेक करने के लिए इसको लगाया गया था और हमारा काम हो चुका है। वापस इसको हम इसी तरह टाइट करेंगे दोस्तों, और ये रिले लाया हूँ डायरेक्टली, ये रिले हम उसमें नया वाला अटैच करते हैं आप, और आगे का बताते हैं। तो ये लैंकी के मदद से दोस्तों हम ये स्क्रू को खोलेंगे दोनों तरफ से, ये दोनों को खोलते हैं इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा खुल चुका है, और ये हमारा दूसरा वाला है। तो बस सेम प्रोसेस है, इसी तरह से खोलना है और नया वाला इसमें अटैच करना है। ये हमारा खुल चुका है और आप देख पा रहे होंगे ये हमारा नया वाला है। अब इसको लगाते हैं दोस्तों और आगे का आपको बताते हैं। तो ये है हमारा रिले नया वाला दोस्तों, देख पा रहे होंगे एक स्क्रू मैंने टाइट कर चुका है और ये दूसरा अटैच कर रहा हूँ इसमें। तो इस तरह से हम पूरा टाइट करेंगे दोस्तों, इसको फुल टाइट रखना है, क्योंकि शॉर्ट ना हो पाए, लूज रहेगा तो शॉर्ट होने का चांस रहता है। इस तरह से हम इसको फुल टाइट करेंगे दोनों को, ये दोनों हमारा टाइट हो चुका है दोस्तों, और ये हमारा फ्यूज नया लगा है क्योंकि हमारा रिले नया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, इस तरह से इसको दोस्तों यहाँ लगा देना है, ये देख पा रहे हैं ये हमारा लग चुका है दोस्तों। और हम बैटरी को इसमें टाइट करते हैं और आगे का बताते हैं। तो दोस्तों बैटरी को वापस इसमें हम इसी तरह टाइट कर देंगे, ये देख पा रहे होंगे ये हमारा फुल टाइट हो चुका है, और ये हमारा रिले भी अटैच हो चुका है। अब डायरेक्टली आपको यहाँ पर बताते हैं। तो फाइनली मेरा काम सब हो चुका है दोस्तों, और हम स्टार्ट मारेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ दोस्तों सेल्फ हमारा उठा नहीं पाएगा क्योंकि बैटरी लो है, नहीं काम कर पाएगा, और मारेंगे हम किक से स्टार्ट इस तरह से। देख पा रहे हैं हमारा स्टार्ट है,
सुन पा रहे होंगे आवाज़, और गाड़ी को भी देख पा रहे होंगे। हमारा गाड़ी फाइनली हो चुका है दोस्तों, इसको वापस हम बंद करेंगे और फिर इस सोच से हम ऑन करेंगे, आप देख पा रहे हो, और फिर हम वापस मारेंगे किक से स्टार्ट। देख पा रहे हैं फाइनली मेरा काम हो चुका है दोस्तों। तो किस तरह से प्रॉब्लम को हमने बाहर किया दोस्तों, आपको देख पा रहे होंगे किस तरह से हमने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया 5 मिनट के अंदर। तो दोस्तों प्रॉब्लम जिस तरह से रहता है वो हिसाब से काम करना पड़ता है, हमको हर चीज़ चेक करेंगे दोस्तों, उस तरह से हमारा पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। तो गाड़ी किस तरह से दिक्कत दे रहा है, किस हिसाब से इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, उस तरह से देखना पड़ता है और समझ के काम करने में इस तरह से जगह तक पहुंच पाता है। तो फाइनली हमारा काम हो चुका है दोस्तों, गाड़ी को हम ऑफ करते हैं और ये देख पा रहे होंगे सब वर्किंग कर रहा है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा बेल आइकन को भी ऑन करो दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक के वीडियो यहीं करते हैं एंड।